स्टूडेंट्स, तो आज का फॉर्मेट अपना इंटरनेशनल योगा डे या जो सेलिब्रेशन है ना, फंक्शन मनाते हैं उनके बारे में अपना फॉर्मेट। तो अपना टॉपिक है, वैसे तो टॉपिक है अपना नोटिस राइटिंग, और इसके अंदर फॉर्मेट किसका है, फॉर्मेट ऑफ द नोटिस सेलिब्रेशन एंड फंक्शंस जो सभा हम क्या करते हैं विद्यालय के अंदर मनाते हैं उनके बारे में अपना क्या है, ये फॉर्मेट है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजिंग जो संस्था क्या करती है, जिससे नोटिस को जारी करती है, उस संस्था का नाम क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऊपर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उनके बाद में हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। ये डेट उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन हमें लिखते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर हमें फंक्शन यानी वो किससे डेट को मनाया जाता है उसका पता है, तो उससे जो फंक्शन मनाया जाता है उसे दो तीन दिन की पहले की डेट यहाँ लिखी जाएगी। समझ में आया या नहीं, क्या कहना चाहता हूँ मैं, ऐसा कहना चाहता हूँ जैसे इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, तो 21 जून से पहले की डेट लिखेंगे, लगभग 3-4 दिन पहले की डेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संस्था का नाम हमेशा ही सबसे पहले ऊपर और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद नीचे की पंक्ति को क्या कर दो, खाली छोड़ दो, एक पंक्ति खाली छोड़ दो। उसके बाद में नीचे की पंक्ति में क्या करोगे, बाईं तरफ क्या करोगे, डेट लिखोगे। क्या लिखोगे, डेट। ये DAT ये शब्द हमें पेपर में नहीं लिखना है, ये फॉर्मेट में होएगा। तो ये किस प्रकार से लिखना है, ये नहीं लिखना है हमें, इसी प्रकार से ये लिखना है, इस तरीके से ये डेट लिखनी है, ये DAT शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में डेट लिखने इस पंक्ति जिस पंक्ति में हमने क्या किया, डेट को लिखा है, वो पंक्ति भी क्या कर दीजिए, उसके आगे मत कुछ मत लिखिए, उसके ठीक नीचे वाले पंक्ति को खाली छोड़ दीजिए। और उसके बाद में क्या करोगे, एक पंक्ति को हमने नीचे खाली छोड़ दिया, उसके बाद में नीचे वाली पंक्ति के अंदर मिड या बीच में नोटिस शब्द लिखोगे, और उसके बाद में नोटिस शब्द के ठीक नीचे वाली पंक्ति में सब्जेक्ट, ये पेपर में सब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ आपको केवल हेडिंग या टाइटल का नाम लिखना है। तो ये संस्था का नाम नोटिस और हेडिंग या टाइटल है, इसे हमें कैपिटल लेटर से लिखना है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। क्या क्या चीज लिखना है हमें कैपिटल लेटर से, संस्था का नाम, नोटिस शब्द है, हेडिंग या टाइटल, ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कैपिटल लेटर कौन सा होता है, हाँ पहले यूनिवर्सिटी के अफसर। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मेड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, हमारा विद्यालय मनाने जा रहा है। क्या मनाने जा रहा है, यहाँ हेडिंग में आ जाएगा, जो भी चीज है, जो भी टाइटल होगा, पेपर के अंदर नाम दिया होगा, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद में इन आवर स्कूल कैंप्स, और ये विद्यालय के अंदर समारोह है वो मनाते कहाँ है, विद्यालय परिसर में। उसके बाद में वहां लगा के क्या करोगे, दिन का नाम और डेट लिखोगे। उसके बाद में एंड लगा कर क्या करोगे, टाइम लिखोगे। और उसके बाद में जो ये जैसे इस प्रकार से एन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट ऑन 20th जून, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, जो त्यौहार है या जो फंक्शन है या जो फेस्टिवल है हम मनाते हैं और उनके बारे में हमें जानकारी है, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। जानकारी नहीं होती है
जैसे एनुअल फंक्शन की क्या आपको पता है कि किस तारीख को मनाया जाता है, उसका कोई डेट है नहीं होता ना। तो कुछ ऐसे फंक्शन है जिसकी डेट निश्चित होती है, जैसे गांधी जयंती है उनको मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसका हमें डेट का पता होता है, जिसका डेट का पता होता है वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ आर टू अटेंड द इंटरनेशनल योगा डे, सभी विद्यार्थी और स्टाफगण इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उपस्थित होए। द अंडरसाइंड विल लीड, वे लोग इसके अंदर भाग ले सकते हैं। प्लीज डू अपीयर विथ एन एम्प्टी स्टोमैक, कृपया आप खाली पेट इसमें भाग लीजिए। और उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, नेम कोई व्यक्ति और उसके बाद में वो किस पोस्ट पे है या किस डेजिग्नेशन के ऊपर है उसका नाम उल्लेख कर देंगे। जैसे यहाँ कोई नाम लिख देंगे, एक्स वाई जेड कोई भी नाम लिख देंगे, तो पेपर से हमें पूर्ति करना है। और उसके बाद में वो क्या है, तो स्पोर्ट्स टीचर कर देंगे, या अध्यापक का नाम लिखेंगे तो क्या है वो, स्पोर्ट्स टीचर। अब उसके बाद में यहाँ आपको अगर आपको पता है कि योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ डेट आप कितनी लिखोगे, ऊपर है 18th June 2020 लिखोगे, ठीक है। इस प्रकार से कोई फंक्शन है जिसको हम मनाते हैं उसका हमें पता होता है। और उसके बाद में टाइम आपको पता है, एक एंटी मेरिडाइन होता है, एक प्राइम मेरिडाइन होता है। एम का पूरा नाम क्या होता है, एंटी, एम का मेरिडाइन और पी का प्राइम और एम का मेरिडाइन। एक है अपराह्न का समय, एक होता है पूर्वाह्न का समय, एक सुबह का समय, एक शाम का समय। सुबह का समय उसके आगे एम लगता है और शाम का समय होता है उसके आगे पीएम लगता है। तो इस प्रकार के इसकी फॉर्म ये होती है जो मैंने आपको बता दी है। थैंक्स यू वेरी वेल, मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज का हमारा फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, इसके अंदर फाउंड द लॉस्ट का फॉर्मेट है वो मैंने क्या कर दिया, पिछले वाले वीडियो में इसका उल्लेख कर दिया या इसको डाल दिया है, उसको ध्यान से देख लेना। तो फाउंड में क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट इसमें ये लिखना है, सबसे पहले संस्था का नाम हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। क्या करना है, संस्था का नाम हमेशा हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद में नीचे वाली पंक्ति को खाली छोड़ दीजिए, नीचे वाली पंक्ति को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में डेट को लिखिए, डेट ये DATE ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, उस दिन का दिनांक लिखना है। और उसके नीचे वाले पंक्ति को भी क्या कर दीजिए, आप खाली छोड़ दीजिए। और उस खाली छोड़ने के बाद में आप क्या करोगे, नोटिस शब्द को लिखोगे। ये नोटिस शब्द है वो पृष्ठ के बीच में, ये ऐसा देख लेना कि इतनी खाली जगह इधर रह जाए और इतनी खाली इधर रह जाए, बीच में क्या कर जाए, नोटिस शब्द आ जाए। उसके बाद में सब्जेक्ट नेम ऑफ है थिंग्स, इसमें क्या है, हमें कोई चीज जब मिली है उसमें क्या थी, कोई चीज जब खोई थी, तो आप सब्जेक्ट की जगह लिखोगे फाउंड। लेकिन जो दो बार फाउंड लिखा है उसके आगे आप क्या करोगे, साइन ऑफ प्रेशर का निशान वो लगाओगे। अंतिम जो फाउंड शब्द लिखोगे उसके आगे निशान नहीं लगाना है। इसे हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से लिखना है। क्या करना है, कैपिटल लेटर से लिखना है। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ये होता है आई फाउंड, मुझे कोई चीज मिली, उस नेम ऑफ थिंग्स उस वस्तु का नाम लिखना है। इन स्कूल प्ले ग्राउंड, विद्यालय खेल मैदान में, कब मिली, ड्यूरिंग लंच टाइम, भोजन अवकाश के समय में। आई हैव, उसके बाद में क्या करोगे, नेम ऑफ थिंग्स उस वस्तु का नाम लिखोगे जो चीज हमने क्या की है, मिली है। एनी बॉडी हु फाइंड्स इट इज रिक्वेस्टेड टू गिव,
यह क्या है? Give it. Give it to me in class 12th. यानी इस वस्तु को जो तुम्हारा मंदी है, वो वस्तु मुझे कक्षा 12 में या 25 या 30 दिन में पहुंचा दीजिए. The person finding it and having it, जो वस्तु क्या है, जिस वस्तु को मिली है, वो हाथ के द्वारा भी क्या कर सकता है, सिर्फ मेरे से पहुंचा सकता है. That matter will be handsomely rewarded. जिस व्यक्ति को कोई चीज मिली है, उसको उचित प्रकार का क्या क्या देगा, इनाम या पुरस्कार दिया जाएगा. द ऑनर मस्ट प्रो हिज पोजेशन. जो जिस व्यक्ति की वस्तु है, वो उस वस्तु के ऊपर अधिकार करने के लिए क्या करेगा, अपना सबूत है वो बताएगा. उसके बाद में कोई अगर इसका विद्यालय का दायरा छोटा है, तो इसलिए तो हम क्या कर देंगे, यानी किसी छात्र या छात्रा का नाम लिख देंगे. अगर उसका जो चीज हमारी क्या है, गुम हुई है या मिली है, उसका दायरा बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा उल्लेख देना पड़ेगा. और उसके बाद में क्लास है लिख देना, यानी वो दायरा छोटा है, तो उसमें नाम के बाद में क्या कर देगा, क्लास लिख देंगे. क्योंकि विद्यालय के अंदर कोई चीज खोई है, तो विद्यालय का दायरा इतना बड़ा नहीं है जिसके अंदर हम क्या करते, हम किसी को नहीं जानते हो. और गांव में कोई चीज गुम हुई है या मिली है, तो गांव का दायरा बहुत बड़ा होता है, इससे बड़ा शहर का होता है, इससे बड़ा यानी बड़े शहर का होता है, इसी प्रकार महानगर का, यानी इसका आगे से क्या करता है, दायरा बढ़ता जाता है. तो दायरा बढ़ता है ना, तो उसका पूरा विस्तृत विवरण हमें देना पड़ता है. तो इन शब्दों के साथ मैं आपको थैंक्स कहता हूँ. लेकिन आज के गृह कार्य के रूप में आपको एक नोटिस दिया जा रहा है, एन इंटरनेशनल योगा डे, जो फॉर्मेट मैंने लिखा है, उस फॉर्मेट के ऊपर क्या करोगे आप, उसको जरूर